तो इसको मैं चलाऊंगा अपने प्रोजेक्टर पे, और ये वाला प्रोजेक्टर मेरा शाओमी का भाई, बड़ी स्क्रीन पर गेम खेलने का बड़ा मजा आएगा। प्लेस्टेशन 5। नो सिग्नल, क्या बात करे भाई, चल तो रहा है। Hey guys, what is up? और भाइयों, आज की वीडियो है मैं अपने घर से बना रहा हूँ। वैसे पीछे शोर आ रहा होगा, देख सकते हो भाई, हमारे यहाँ पर कोई ना गरबा वाला इवेंट चल रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, मैं एक तरह से व्लॉग स्टाइल में बना रहा हूँ। पहला आई थिंक इस चैनल पर व्लॉग डालूंगा, लेकिन मेरा एक अलग से व्लॉग चैनल है, उसको हमने इतना कंटिन्यू रखा। लेकिन ये वाली वीडियो है इस चैनल पर डालने का एक मेन रीजन ये है कि मैंने भाई कल भाई डीजे वीजे बनना शुरू हो गया तो पीछे, तो चलो अंदर आके बात करते हैं। हाँ, इधर बैठ के बात करते हैं। और आज सुबह मेरे पास सोनी सेंटर वाला का कॉल आया, उन्होंने बोला भाई आपका प्ले स्टेशन आ चुका है, आप आगे पिक कर लो। वैसे तो उनको डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन भाई मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ से आधा पौने घंटे का रास्ता है तो जाके मैं पिक कर लूंगा। यहाँ से पास में पड़ता है मॉल ऑफ इंडिया, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं मॉल ऑफ इंडिया, वहाँ से मैं प्ले स्टेशन पिक करूंगा। और मेरा प्ले स्टेशन लेने का सिर्फ एक ही रीजन है, वैसे मैं हार्ड कोर गेमर नहीं हूँ, मैं मेरे को बहुत सारे लोग अगर जानते होंगे तो मैं यहाँ पर भाई जो वी आर की गेम्स है वो ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मेरे पास एक वी आर हेडसेट ये पड़ा है, एक वी आर हेडसेट ये ऑक्युलस का। और अब जब प्ले स्टेशन जो वी आर 2 आने वाला है, तो मुझे लगा भाई प्ले स्टेशन होना जरूरी है। अब तो अब शायद बाद में क्या रहे सीन वो मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा भाई अभी मिल रहा है तो ले लेते हैं, जुगाड़ कर लिया हमने कहीं से। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई, क्या ये मॉल ऑफ इंडिया थोड़ा सा पास में ही है, तो वहाँ से हम प्ले स्टेशन उठाएंगे, उसके बाद उसको मैं टेस्ट करूँगा। और मेरा पहला प्ले स्टेशन है, इससे पहले मैंने आज तक कभी प्ले स्टेशन कभी भी ऐसे ट्राई नहीं किया। मैं एक्सबॉक्स मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, एक्सबॉक्स में भी मतलब थोड़ा बहुत ही मैं गेम्स खेलता हूँ, लेकिन अब प्ले स्टेशन है उसको लेने का स्पेसिफिक रीजन है जो मैंने आपको बता दिया। तो अब निकलता हूँ मैं। इतना वेट करने के बाद तो फाइनली भाई 2 साल की वेट के बाद ये भाई अब घर पे आ गया है, और एक्साइटमेंट इतनी है कि उसको ओपन अभी करूं बाद में करूं या फिर इसकी वीडियो बनाऊं कुछ पता नहीं लग रहा, क्या करूं बताओ। वीआर में इसकी वीडियो बनाओ। नहीं, वीआर तो जब आएगा तो आएगा, तब बना पाऊंगा ना, अभी क्या करूं। अच्छा, ये वाले वीआर में नहीं चलेगा? नहीं नहीं, इसका वीआर अलग आता है, वीआर आएगा जनवरी फरवरी में। जनवरी तक रुक जाओ, उसको ओपन ही ना करूं। नहीं भाई, मैं इसको अभी ओपन करूंगा। छोटे बच्चे की तरह, ये जितना हम जब छोटे थे ना वो 16 बिट वाली गेम आती थी, जितनी एक्साइटमेंट तब होती थी ना, अभी बड़े होने पे ना ये वाली एक्साइटमेंट अब है। जो 100 रुपए वाली गेम मिलती थी जिसमें हम गाड़ी वाड़ी खेलते थे। तुमने कौन सी 100 रुपए वाली गेम खेली बचपन में? अरे वो ऐसे ऐसे वाली एक लंबी सी नहीं आती थी, लंबी वाली, उसमें ऐसे स्क्रीन पर थी, नीचे चार्ज पे बटन होते थे, वो 100 रुपए। ये कौन सी गेम है? आती थी वो, अभी भी मिलती है फ्लिपकार्ट पे, ऐसे इतनी चौड़ी होती थी, स्क्रीन होती थी और यहाँ पे ऐसे ऐसे बटन होते थे। अरे वो वाली, वो ब्रिक वाली गेम बोल रही है, ब्रिक वाली। अरे ब्रिक वो जो होती थी वो वाली। तुम ब्रिक वाली गेम को प्लेस्टेशन 5 से कंपेयर कर रहे हो? वाह, तो उसके पास ऑलरेडी है, देख वेनम टेक ले लिया मैंने, ठीक है, अचीव कर लिया। अपने पैर के नाखून काटो, पूछो वाले नाखून लग रहे हैं पैर के, जैसे चुड़ैलों के होते हैं। मेरे देखे पैर के नाखून एक भी नहीं है। हाथ के दिखा। हाँ तो हाथ के तो सिर्फ एक ही है। चुड़ैलों वाले नाखून दिखाओ। दिखाओ तो सही, चुड़ैलों वाले नाखून खराब हो जाएगा। ये देख लो, नहीं दूसरा दूसरा बोलो। तो मेरे जो पैर के नाखून चुड़ैलों वाले, तो तुम्हारे हाथ वाले चुड़ैलों वाले क्यों नहीं है बताओ? आपसे तो छोटे हैं। दिखाओ 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 दिखाओ। पैर में पता है ये जूते वो तो में चुभते हैं नाखून, मुझे नहीं चुभते। चलो इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं भाई प्ले स्टेशन 5 में ऐसा क्या है जो 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 और किसी प्ले स्टेशन में नहीं है, जो किसी और प्ले स्टेशन में नहीं है। चलो तुम कैमरा पकड़ो, मैं इसको खोलता हूँ। वहां पर जब इसको लिया था भाई, वहाँ पर ऐसे देर से अचीवमेंट हो गया, वो फोटो वोटो खींच रहे, वीडियो वीडियो बना रहे हैं। अचीवमेंट ही अभी इसको पाना बड़ा मुश्किल था। प्ले लाइक नेवर बिफोर, ऐसे खेलो ऐसे कभी नहीं खेला।
कितना भारी है ये? डब्बे के अंदर एक और डब्बा, ये नहीं और डब्बा, ये ना होगी खाली हो। डब्बा के अंदर डब्बा भेजो। मेरी फोटो भी आ रही है? नहीं आ रही यार, मतलब मेरी वीडियो नहीं आ रही, वैसे प्ले स्टेशन की ले रहा हूँ। पुस्तकें ये लो, पढ़ा लो अपने बच्चों को। ये रहा कंट्रोलर, और भाई ये सबसे ना डिफरेंट तरह का कंट्रोलर है। इसमें क्या बोल रहे थे इसको, ड्यूल सेंस कंट्रोलर? नहीं, ड्यूल सेंस पहले वाला था ना, ड्यूल शॉक है। एनीवेज मेरी आ रही है, मुझे लग नहीं रहा क्योंकि तुम्हारा ना कैमरा नीचे जा रहा है। आए इन्हें पता लगा मेरा सर कट रहा है। हाँ, आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। नहीं आ रही, आ रही है, ये भी डाल देना ब्लॉग में। हां पता नहीं ना तुम कैमरा कैसे पकड़ते हो। ये रहा प्ले स्टेशन 5। पता लगा मैं इसको निकालते निकालते गिरा दूं। एक साल की वारंटी है। एक साल की वारंटी वाला ये समझ लें कि गिर दूँ और मैं वो वापस नया देंगे। ऐसा करूँ? टूट जाएगा, टूट जाएगा। हाँ ऐसे ठीक है। व्हाट एन अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। को भाई अंडे की ट्रे, इसमें अंडे डाल के ना फ्रिज में रख दो। ये तो बहुत छोटा सा है। हाँ तो डब्बा ही बड़ा था, उसका मतलब समझना कि बड़ा सा होगा। इसका घूंघट उतारे, मुंह दिखाई हो रही है इसकी। लाओ पैसे दो। मैं क्यों दूं, लेके तो आप आए हो ना। 101 रुपए, 101 रुपए के जमाने चले गए, अब सीधा 1101 रुपए हो गए। शाइन कितना मार रहा है ये। मुझे लगा था ये वाइट होगा, ये वाइट सा नहीं है, ये थोड़ा ऑफ वाइट है। कैमरे में लग रहा है कि ये शायद वाइट है, लेकिन ये ऑफ वाइट ब्लूइश सा टेंट है इसमें, लेकिन वैसे दिखने में बड़ा सही सा लग रहा है। मस्त है, जैसे बुक टाइप होती है, हैरी पॉटर वाली जैसी किताब। बहुत ही अलग सा है इसका लुक है, नॉर्मल कंसोल तो लगता ही नहीं है। ये ग्लॉसी अच्छा नहीं लग रहा बस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्लॉसी ग्लॉसी सा। हाँ तुम जैसे तुमने अभी इसमें फिंगर मारी ना, तो देखो अभी फिंगरप्रिंट लगेंगे और डस्ट चिपकेगी। इसमें यही तो कलर आता। हाँ ये इसका कंट्रोलर है, इसको भी टेस्ट करेंगे भाई। प्ले स्टेशन के साथ ही इसका मेन जो वर्क करता है ये सही से। चलो देखेंगे इसको। ये इसको बोल रही है टेनिस रैकेट, ये इसका स्टैंड है, लेकिन इससे ऐसे क्या वो टेबल टेनिस भी खेल सकते हो। तो नहीं, ये इसका स्टैंड है, इसके नीचे लगता है ऐसे खड़ा होता है, या फिर इसको लेटा सकते हो। ये इतना सारा कूड़ा कपड़ा निकला यहाँ पे, अब ये फाइनल इसके अंदर से निकला। चलो अब इसको करते हैं प्लग अपने प्रोजेक्टर के साथ। मैं इसको प्रोजेक्टर के साथ लगाऊंगा, इसको मैं लगाऊंगा अपने प्रोजेक्टर के साथ। और ये रहा हमारा भाई एक्सबॉक्स सीरीज एस, 200 कंसोल हो गए मेरे पास। और प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको मैं अब लगाऊं कहाँ पर, मेरे पास जगह ही नहीं है। इसको रिप्लेस करूँ, इसकी जगह पे रखूँ, या फिर इसको ऐसे साइड में कहीं खड़ा करूँ। 6.5 hours later तो इसको यहाँ पे रख दिया, एक्सबॉक्स हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। और भाई ये जो कलर है ना एक्सबॉक्स का, देख रहे हो कितना गंदा हो रहा है। इंडिया में भाई हर चीज इतनी मैली हो जाती है, तो मुझे लग रहा है भाई ये भी बहुत जल्दी यहाँ पर मैला होने वाला है। क्योंकि ये देख रहे हो, ये वाला मेरे पास पुराने वाला प्ले स्टेशन जो 5 का कंट्रोलर है, मैंने पहले लिया था अपने पीसी वगैरह के साथ कनेक्ट करने के लिए, कितना गंदा सा हो रहा है। और ये नया वाला है, तो भाई इसकी भी हालत कुछ दिनों में ऐसी ही होने वाली है, बट क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, लेट्स सी क्या सा ये। तो इसको मैं चलाऊंगा अपने प्रोजेक्टर पे, और ये वाला प्रोजेक्टर है मेरा शाओमी का, ठीक है गेमिंग प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन भाई बड़ी स्क्रीन पर गेम खेलने का बड़ा मजा आएगा। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। भाई इसका बटन कहाँ पे है, ये है क्या? तो स्टार्ट हो गया भाई, ब्लू लाइटें जल रही हैं इसमें। तो इसको यहाँ पे करते हैं भाई 8K प्ले स्टेशन 5, यहाँ से इनपुट भी चेंज करते हैं प्ले स्टेशन 5 और आ जा। यस लाइट ऑफ करते हैं भाई साहब, इतनी बड़ी स्क्रीन। तो इसको अब सेटअप कर लेते हैं। एडजस्ट योर PS5 HDR डायनेमिक रेंज सेटिंग, इंसर्ट गेम डिस्क। नहीं भाई मेरे पास गेम डिस्क नहीं है, आगे हम बहुत सारी गेम्स खरीदेंगे तो कंटिन्यू विदाउट डिस्क। तो भाई प्लेस्टेशन है, लेकिन प्लेस्टेशन के अलावा भी भाई और भी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी OTT प्लेटफॉर्म वाले जो एप्लीकेशन होती है, ये सब तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ट्विच मैं यूज नहीं करता हूँ, ना मैं Spotify यूज करता हूँ। चल स्टार्ट हो जाए। तो वेलकम टू प्लेस्टेशन 5 फाइनली। तो फाइनली भाई इतना बड़े सेटअप के बाद ये हमारा प्ले स्टेशन। तो ये नया इंटरफेस है, मुझे नहीं पता पहले वाला इंटरफेस कैसा था, लेकिन ये इसका नया इंटरफेस है। ऑलरेडी एक गेम डली हुई है यहाँ पर, एस्ट्रो प्ले रूम। तो इसको ये जो प्ले स्टेशन का जो कंट्रोलर है, उसमें मेरे ख्याल से उसका ट्यूटोरियल है, गेम है पता नहीं। तो खेलूंगा इसको और बाकी चीज़ें देख लेता हूँ मैं। सबसे पहले भाई स्टोरेज देखें। तो स्टोरेज यहाँ पर है भाई सिर्फ 667 GB। भाई चीटिंग है, बट ठीक है, हम यहाँ पर एक्सटेंडेड स्टोरेज वगैरह लगा सकते हैं बाद में। बट मेरे पास ऑलरेडी शायद कुछ गेम्स थी जो मैंने प्ले स्टेशन से कुछ परचेज कर ली थी, तो ये सारी गेम्स मेरी हैं ऑलरेडी। होराइजन जीरो डॉन, तो ये इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। बट ये प्ले स्टेशन 4 वाली है, तो ये फ्री में मिली थी मुझे पहले, कभी मैंने कर ली थी, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसी को खेलेंगे सबसे पहले।
ठीक है भाई, अब मैं इसको कुछ दिन यूज करूंगा, देखते हैं भाई कितना डिफरेंट है ये नॉर्मल ऑब्वियसली यार प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स से जो मेरे पास है एक्सबॉक्स सीरीज एस उससे तो बेटर ही होगा। अभी डाउनलोड हो रही है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा पहला प्लेस्टेशन है, इसको देखते हैं भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा एज ए फर्स्ट प्लेस्टेशन यूजर वो कैसा रहेगा, तो वो मैं शेयर करूंगा। भाई ये चीज़ बड़ी मस्त है, अडेप्टिव ट्रिगर, वाह मस्त फील आ रही है भाई। ये तो भाई ऐसे ही लग रहा है इसके अंदर है।